आज हम लोग आ चुके हैं आउट 1590 जो कि कोलकाता का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है अवधी खानों के लिए। अब आउट या अवध जो भी आप इसे कह लो, आज के टाइम पे हम इसको लखनऊ के नाम से जानते हैं। तो अवधी खाना मतलब जो लखनऊ की जो खाना होते हैं, आपको पता ही होगा लखनऊ मतलब राजा नवाबों महाराजों का शहर। तो यहाँ की जो खाना है उस पर राजा नवाबों महाराजों की जो भी खाने का जो भी पैगाम है उसका, जो भी शौक था उनका, उसके भरपूर टच आपको मिलेगा। तो आज हम यहाँ के खाने को ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये खाना कैसा है, इसका रिव्यू भी देंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू ऑल। आज की हमारी खाना आ चुका है, आप लोग देख सकते हो कितने सारे खाना आ चुके हैं। हमने ऑर्डर किया है ये मटन गलौटी कबाब, ये फेमस लखनवी पराठा है खाने के लिए, फिर इधर पे आपका मटन नल्ली नहारी या मटन नहारी खास जो भी आप इसे कह लो, और फिर ये चिकन अवधी बिरयानी, और फिर इसके साथ फिर ये। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमने ऑर्डर किया है मटन गलौटी कबाब, आप लोग देख सकते हो मटन गलौटी कबाब को, ये मटन गलौटी कबाब के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी क्या है, एक्चुअली लखनऊ में एक नवाब था, तो नवाब था कबाबों की शौकीन। अब नवाब की उम्र हो चुके थे तो उनके दांत सारे गिर चुके थे, पर कबाब के प्रति उनका जो प्रेम है वो किसी एंगल से भी कम नहीं हुआ था। तो फिर नवाबों के जो भी खानसामा थे, जो भी उनके रसोई में जो खाना पकाते थे, उन्होंने नवाब खुश करने के लिए फिर ये गलौटी कबाब का ऐजाज किया। उन्होंने क्या किया, बाजार से मटन को लेके आया, फिर उसको कीमा बनाया गया, और फिर उस कीमा के साथ सारे खड़े मसालों को मिला के उसको पीस के फिर वो चॉप करके अपने पेस्ट की जैसे बनाया। पेस्ट मतलब उतना लिक्विड पेस्ट नहीं, एक गाढ़ा थिक पेस्ट की जैसे बनाया, फिर उसको अपने हाथ से बड़े की शेप दे के एक तांबे की पात्रों में, अगर आप आज भी लखनऊ में जाते हो तो आप देख पाएंगे कि उधर पे जो गलौटी कबाब बनते हैं वो क्या होता है कि तांबे की पात्रों में बनते हैं, जो कि ऐसे फ्लैट सर्फिस पे रहते, नॉर्मल कढ़ाई की जैसे नहीं रहता। तो उस फ्लैट सर्विस पे फिर उसमें घी और तेल को मिला के फिर उसमें शैलो फ्राई किया जाता है इस कबाब को। अब इसका नाम गलौटी कबाब या गलावत कबाब इसीलिए पड़ा क्योंकि इसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ता। अब जैसे ही कबाब को मुंह में देंगे तो आपको लगेगा कि कबाब मुंह में घुल गया, तो नवाब को खिलाने के लिए, क्योंकि नवाब के पास दांत तो थे नहीं पर उनको खाने थे कबाब, तो इसलिए गलौटी कबाब का ऐजाज किया गया। अब ये कबाब गले से उतर जाता है इसलिए इसको बोला जाता है गलौटी कबाब या गलावत कबाब। फिर हम आते हैं नहारी पे। ये जो नहारी आप देख रहे हो, ये नहारी भी लखनऊ की फेमस डिश है जिसे लोग नल्ली नहारी के नाम से या नहारी खास के नाम से जानते हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है, ये जो नहारी बनता था ये एक्चुअली नवाबों के दरबार में सुबह में जो भी श्रमिक आते थे या जो भी लोग काम करने के लिए, मजदूर लोग जो काम करने के लिए आते थे, उनके लिए बनाया जाता था, ताकि पूरा दिन उनको एक ऐसे खाना दिया जाए कि पूरा दिन उनके शरीर में एनर्जी बना रहे और काम, राजा का जो भी काम है, नवाबों का जो भी काम है वो चलता रहे। तो ये जो खाना है ये एक्चुअली पकना शुरू होता था रात की 1-1.30 बजे, ये पकना चालू होता था एक्चुअली, और सुबह की 6-6:30 बजे तक ये फूड पकता था। मतलब आप लोग समझ सकते हो 5-5.5 घंटे तक ये फूड पकता था अपनी रसोई में। अब लखनऊ आए हैं, आउट आए हैं और अवधी बिरयानी को टेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए हमने ऑर्डर किया है अवधी बिरयानी। अवधी बिरयानी के साथ नॉर्मल बिरयानी के जो फ़र्क है वो क्या है वो मैं आपको खाते खाते बताऊँगा। तब तक के लिए चलिए आज का खाना शुरू करते हैं। तो अब
अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कबाब कैसा है और ये पराठे के साथ कैसा जाता है। तो मैं ये पराठा लिया, ये कबाब को मैंने, देखिए कितनी आसानी से कबाब टूट गया। ऐसे क्या कबाब टूट गया? इसको लिया, ये मेरे मुंह में घुल गया, मुझे चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। देखिए इसीलिए इसका नाम गलावाट कबाब पड़ा है, क्योंकि गले से उतर जाता है। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे ये नली नहारी, उसके साथ ये पराठा। तो नहारी के बारे में तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, अभी पराठे के बारे में बताते हैं। ये पराठा जो है ना, ये एक्चुअली बहुत ही कम तेल में फ्राई किया गया है। मतलब हम लोग जो घर में बनाते हैं ना, जैसे कम तेल में बस उसको सेक के बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो जो भी लोग डाइट कॉन्शियस है वो लोग पराठा, ये पराठा खा सकते हैं। ये लच्छा पराठा नहीं है कि बहुत सारा तेल इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत ही हल्का सा, जैसे घर पे बनता है सेम टू सेम वैसा पराठा है। इस पराठे को इसके साथ हम लोग टेस्ट करते हैं, ये ग्रेवी के साथ, नहारी के जो भी है ये। जस्ट परफेक्ट, मतलब कम मसालों के साथ और तेल में घी के, घी मिला के, क्योंकि घी का जो खुशबू होता है ना, एक अच्छा वाला खुशबू, वो अच्छा वाला खुशबू घी का आ रहा है इसमें से, बहुत सही है ये। नहारी ये मैंने लिया, नहारी को आप देख ही सकते हो, ये नहारी का पीस। अब देखिए इसका नाम नल्ली नहारी क्यों पड़ा, एक तो ये मटन का पीस है उसके साथ ये नल्ली, तो इसलिए इसका नाम नल्ली नहारी पड़ा। बहुत ही अच्छे से पकाया गया इसको, मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे ये पहले के ज़माने में जैसे कि 5 या 6 घंटे से फूड प्रिपेयर होता था, वैसे प्रिपेयर ना भी हो, फिर भी ये मटन इतना सॉफ्ट है, मज़ा आ गया खाने में। सुपर, जस्ट सुपर। आज हमारी अवधी बिरयानी आ चुका है हमारे पास, देखिए अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैसा है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि अवधी बिरयानी के साथ अपना जो कोलकाता बिरयानी है इसका डिफरेंस क्या है। एक्चुअली अब ये जो अवधी बिरयानी है इसमें मसाले बहुत ही कम यूज़ किए गए हैं, हमारे कोलकाता बिरयानी में क्या होता है भरपूर मसाले यूज़ किया जाता है, अवधि में ऐसा नहीं है, बहुत ही कम मसाला यूज़ किया गया है, बहुत ही लाइट हार्टेड बिरयानी है ये। और जो सबसे बड़ी डिफरेंस है वो है कि इसमें आपको आलू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही लाइट हार्टेड, मतलब हर एक दाना पूरा अलग अलग, बहुत ही कम मसाला, मतलब एकदम बहुत ही कम मसाला, कोई भी मसाला बहुत ज़्यादा आपके मुँह में नहीं खटकेगा। और ये चिकन का पीस, ये अंडा, ये अंडा जो है एक्चुअली उबला हुआ अंडे को फ्राई करके दिया गया है, तो बहुत सही लग रहा है। मैं चिकन भी थोड़ा खा के देख लेता हूँ कैसा है चिकन। बहुत ही उम्दा, बहुत सही है। अभी हम किसी और से भी पूछ लेते कि ये जो अवधी बिरयानी है ये कैसा बना है। तो मेरे साथ मेरी वाइफ आई है आज, आप देख सकते हो कि वो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो पूछ लेते उससे भी एक बार। मनीषा कैसा है ये बिरयानी? बहुत ही लाइट हार्टेड है, उतना ज्यादा मसाला भी यूज नहीं किया है, पर बहुत ही अच्छा है, एकदम बहुत सही है। बिल्कुल, खाते खाते हमारा पेट आज इतना भर चुका था कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम और आगे कैसे खा पाएंगे। तो फिर हमने ये शिकंजी ऑर्डर किया, ये एक्चुअली 16 शिकंजी है जो कि अवध 1590 का एक स्पेशल है। तो ये जो शिकंजी है इसके कलर से आपको पता चलेगा कि ये पूरा आम पन्ना जो होता है ना अपना, कच्चे आम का जो भी, पूरा वही है ये, सोडे के साथ कच्चे आम को मिला के, आम पन्ना को मिला के शिकंजी बनाया गया है, और बहुत अच्छा है।
एक्चुअली ये खाने के बाद अभी हमको लग रहा है कि हम थोड़ा और खा पाएंगे, तो आप मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग आउट में आते हो और इसको एक बार ज़रूर टेस्ट करें। तो आज हम हमारी ये खाने की शाम ये फिरनी के साथ ख़त्म करते हैं। आप ये फिरनी देखिए, इसका कलर देखिए, इस पर बादाम डाला हुआ है वो देखिए, मतलब बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाला गया है और देख सकते आप इस फिरनी को। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। परफेक्ट, मीठा भी जो है ना, मीठा तभी आपको अच्छा लगता है जब वो मीठा बैलेंस रहे, मतलब बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो। और ये फिरनी जो है एग्जैक्टली वही है, बहुत ज़्यादा भी मीठा नहीं है इसमें, बहुत कम भी नहीं है, परफेक्ट मीठा है पूरा। और उसके साथ जो ऊपर में ड्राई फ्रूट दिया गया है, अगर आपको हमारा आज की वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो हम ये ब्रांच पे आए आओ 1590 की, ये कालिंदी दमदम के पास तो ब्रांच हम वहाँ पे आए, इसकी और भी कई ब्रांचेस थे कोलकाता में, तो इसके जितने भी ब्रांचेस हैं हम सारी ब्रांचेस की एड्रेस आपको हमारी चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। थैंक यू।